अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटो मोबाइल्स। जी हां, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटो मोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटी की गाड़ियाँ मिलेंगी। किरण योजना का लाभ मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, अब उन विद्यार्थियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संबल पोस्ट मैट्रिक जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं के सहारे ही उच्च शिक्षा में विद्यार्थी वर्ग का नामांकन प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ता है। ऐसे में 6 माह से छात्रवृत्ति के पोर्टल बंद होना उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही दर्शाता है। बजट व तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए विद्यार्थियों को नकार दिया जाता है, जिस कारण व्यवस्थाओं के प्रति विद्यार्थी समुदाय का विश्वास भी घटता जा रहा है। महोदय, आपसे निवेदन है कि छात्र हित में निर्णय कर तत्काल प्रभाव से छात्रवृत्ति की सही पोर्टल प्रारंभ करें और गत वर्ष की लंबी छात्रवृत्ति का लाभ भी अतिशीघ्र विद्यार्थियों को प्रदान करें। ऐसा न करने से हजारों गरीब माध्यम के वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पाने का अवसर मिल सके, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन की ओर बाध्य होगी। धन्यवाद। भौदी हर्ष वर्मा, नगर मंत्री, अभावी खंडवा। इधर आ जाओ। अरे हर्ष, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये प्रति श्री इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जिलाधीश महोदय, जिला खंडवा। विषय: विगत 6 माह से बंद पड़े छात्रवृत्ति के सही पोर्टल अतिशीघ्र प्रारंभ करने बाबत। महोदय, अभावी मालवा प्रांत छात्रवृत्ति संबंधी विभिन्न समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। महोदय, विगत 6 माह से छात्रवृत्ति का पोर्टल ठप होने के कारण प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी आज छात्रवृत्ति संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। पोस्ट क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी चौहान है, मैं एसएन कॉलेज की एक छात्रा हूँ। यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थियों का ये विषय है कि 6 महीने से पोर्टल बंद होने के कारण हम लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू तो कर दी है, पर इसका फ़ायदा बहुत से विद्यार्थियों को सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कॉलेजें हैं जहाँ पर विद्यार्थियों का इसका लाभ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और भी दूसरी जो योजनाएं हैं उनका पोर्टल बंद कर दिया जाता है, जिससे कि हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी विषय में आज यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि कलेक्टर इसका कुछ भी समाधान निकाले और विद्यार्थियों को थोड़ा मदद करें। किस तरह की समस्या आ रही है विद्यार्थियों को, कितने महीने मतलब क्या ये जो छात्रवृत्ति है नहीं मिल रही तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट की लाइफ? देखिए, आज अपन देखते हैं कि विद्यार्थी समुदाय, कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी छात्रवृत्ति पे निर्भर करते हैं कि अगर उनकी स्कॉलरशिप आएगी तो आगे की स्टडी को कंटिन्यू रख पाएंगे। ऐसे में विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से मांग कर रही है कि ऐसे विद्यार्थियों के अकाउंट में जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि को डाला जाए, आवास भत्ते की राशि को डाला जाए, गांव की बेटी योजना की राशि को डाला जाए, प्रतिभा किरण योजना की राशि को भी डाला जाए, ताकि वो विद्यार्थी भी अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला सके। और विद्यार्थी परिषद आज यही मांग करने आई है, आज कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन के माध्यम से यही हमारी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इससे बड़े संख्या में उग्र से उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है? हर्ष वर्मा, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। आपको क्या नाम है? शिवानी चौहान। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं हर्ष जिनके साथ ये सब प्रॉब्लम? ऐसे पूरे प्रदेश भर के लगभग 1.5 लाख खंडवा विद्यार्थी है, खंडवा के कम से कम 50,000 के समथिंग ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके खाते में अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्णाभूषण, और जब स्वर्णाभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब
सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।